परेशान करती है। हाँ, तो सबसे पहले जोरदार तालियां हमारे देश की मीडिया के लिए। चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना मीडिया? अपने लिए तालियां बजा ली आपने, खबर निकलवा ली हमारी। हाँ, और अब जोरदार तालियां हमारे नए सीजन के लिए, कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा। थैंक यू वेरी मच। और मैं हूं मोना सिंह, सीजन टू की नई ताजा होस्ट। वैसे जब भी मैं शो शुरू करती हूँ, हमारे गेस्ट को बुलाती हूँ, उन्हें सिंहासन में बिठाती हूँ, और उसके बाद मेरा सबसे पहला सवाल एक ही होता है, क्या आपको डर लग रहा है? तो इस सीजन में सेल्फी तो बनती है, है ना? थोड़ी बहुत रिहर्सल्स भी कर रहे थे और उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। वो यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप सबके टांग खिंचाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप सबको बता दूँ, डोंट वरी, इस शो की जो ये होस्ट है, नए सीजन में हमारे गेस्ट्स का कवच मैं बनूंगी, मैं करूंगी उनकी रक्षा। ओह माय गॉड, आई जस्ट रियलाइज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दो शोज की प्रमोशन कर दी। रियली नाउ, दैट्स स्मार्ट। एनीवेज, मैंने बहुत बोल लिया, अब मैं मिलाती हूँ आपको हमारे शो के पूर्वजों से। यस, पूर्वजों से जो अभी तक हैं, सुदेश, कृष्णा एंड भारती। बेइज्जती की है, अरे कौन रिहर्सल कर रहा है पीछे? बंद करो पीछे रिहर्सल, कौन रिहर्सल कर रहा है बीच में? देखते कुछ और है ये। ये आप आके बोलते हैं, हम तो इंप्रोव्यू करते हैं। सही बात है, पूरा याद करके आते हैं। थोड़ा पीछे आइए आप लोग, पीछे आइए। अरे क्या आप लोग बेइज्जती लगा रखी है आपने सुदेश जी की, बुड्ढा बुड्ढा ये वो। तो जब उसने तेरे को आंटी बोला तो मेरे को नहीं, इसको आंटी बोला, बात करते हैं। इसके अपनी रिहर्सल बंद की, रिहर्सल बंद करा पीछे। हेलो, हाँ पीछे पीछे आ जाओ। ये कौन माइक पे बोल रहा है? मेरे सुबह जिसका होना चाहिए तो उनका और नहीं, पीछे वालों को और। कौन ये? लड़की आ गई है पता मुझे उसने बेइज्जती की है, लेकिन ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। जूते क्या बदतमीजी लगा रखी आप लोगों ने? फाइजीटी बचाओ ये वो सब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कौन होगा, कौन क्या होगा, हम ही होंगे? और कोई एंकर हो सकता है क्या कॉमेडी नाइट्स बचाओ में? खामोश। कौन है ये? मैं, कॉमेडी नाइट सीजन टू बचाओ ताजा की एंकर मैं हूँ, ताजा ताजा मोना से। मोना, 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 ताजा मोना, 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 ये एंकरिंग। अरे चमड़े की चप्पल महंगी हो गई क्या? ए, ये क्या बोल रहा है? नहीं सब मोना मोना बोले, मेरे को लगा कुछ नया बोलना चाहिए। ओए ओए, नया बोलने के चक्कर में ना बेटा तुम शो से आउट हो जाओ।
नहीं लेकिन मोना एंकरिंग करेगी फिर आगे मोना फिर मेरे मुंह के आगे अच्छा ठीक है मोना एंकरिंग करेगी मैं सच्ची बताऊं इस साल की जो कॉमेडी नाइट बचाओ की एंकरिंग होगी ना वो बहुत धुआंदार होने वाली है थैंक यू थैंक यू एंकरिंग करती है ये नहीं नहीं बीड़ी बहुत पीती है अरे पता नहीं तेरे को शट अप यू ब्लडी कंटेस्टेंट्स ब्लडी कंटेस्टेंट बोल रही है हमको ओना नु की पता है भारती डाइटिंग कर दी और रोटी चावल खांदी नहीं है ना पे जी मैंने अच्छा तुसी कहंदी हो ते वैनिटी च खिचा लांगे किदी कृष्णा दी हाय नहीं पेंजी पेंजी फिर मीडिया ने देख लेना उन्होंने कहने कृष्णा ने पम्मी नु वैनिटी च बुलाया पेंजी कृष्णा मेरे मुंडे वर्गा आ गया मैं तो आशीर्वाद देना आई हूं उन्हें अच्छा चलो पेंजी पेंजी शर्मा पेंजी का नाम ना लेना पेंजी उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया मैं 1100 रुपए कट देते ने किट्टी दे पेंजी आजकल सारी सोशल मीडिया पे आ गए ने लोकी लड़ते हैं पेंजी साडा जमाना और फिर असी कहते सी आप है ना लड़िए लड़े मेरी जुत्ती पेंजी खिंचाई किसकी करनी है मुझे अपना टैलेंट दिखाना तुम्हारा हो गया बेटा इस जो तू दिखा रही वो टैलेंट नहीं टांगे होती हैं एक सेकंड ऊपर दे यहां देख के बात कर कहां देख के यहां थोबड़े पे अबे मुर्गी कैसे भी हो थोबड़े पे कौन देता है लेग पीस में ध्यान रहता है लोगों का आप लोगों का भी यही ध्यान है ना भाई लोग तो कल प्लीज अखबार में निया की अच्छा उसने हां भी बोल दिया भाई ने फ्लो फ्लो में कल अखबार में निया की टांगों के साथ थोड़ी सी फोटो मेरे मुंह की भी लगा देना प्लीज क्या है थोड़ा अपना भी करियर सेटल हो जाएगा करियर सेटल हो जाएगा क्या चापलूसी करके हो गया तेरा ये लोग किसी का करियर नहीं बनाते धीरे बोल खराब कर देते हैं मेरा करियर तो किसी ने खराब नहीं किया तेरा करियर अभी बना भी कहा है अच्छे से मुंह तोड़ू तेरा अभी दो सीटियां और लगनी फिर जाके बनना है चल ना तू चुप कर तुझे पता है कितनी बड़ी स्टार हूं क्या तुझे पता है कितनी बड़ी स्टार हूं वो कौन है भारती वो भी बड़ी स्टार है हाँ तो जो स्टार होते हैं ना उनको मुंह से नहीं बोलना पड़ता फैन बताते हैं तेरे जैसे चल ना चल तुझे पता है निया शर्मा हूँ मैं निया शर्मा मैं यहाँ पे भारती की जगह लेने आई हूँ हाँ जी ओ भाई ओ मुंह से टॉफी निकाल नाम बता अपना शरद हैं शरद अबे ये बड़ा मनहूस नाम है शरद ओ शरद नाम का 1.5 साल ज्यादा कोई नहीं चलता चाहे शरद कपूर हो चाहे शरद केलकर पूछ ले मीडिया वालों से ना केलकर ना कपूर शरद मल्होत्रा यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाट लगी पड़ी तू तो फिर उसकी फर्स्ट कॉपी पास ना कर तू एक सेकंड तू किसके मुंह लग रहा है हम दोनों स्टार है ये स्ट्रगलर है क्यों सही बात है किंग ऑफ ऑडिशन हट हम सुपरस्टार शो चलाएंगे आजा आ गया सुपरस्टार बोलने में भी फंबल मार रहा कैसा सुपरस्टार है और क्या स्ट्रगलर स्ट्रगलर तेरे से ज्यादा कपड़े मैंने सूट के अंदर पहने समझी तू स्ट्रगलर स्ट्रगलर और तू क्या काय का स्टार है क्या किया तूने जिंदगी में आज तक महाराणा प्रताप का शो किया बहुत बड़ा शो किया मैंने कसम कर रहा हूँ और भी बहुत बड़े शो किए महाराणा प्रताप का शो किया तेरे से ज्यादा फेमस तेरा घोड़ा है तेरे को पता है ऐसी वाहियात एक्टिंग करता है जब ये डायलॉग बोलते है घोड़ा भी हंसता है 2 लाख पर डे है मेरा 2 लाख दो लाख वो तेरा झूठ पकड़ा गया डेली शो वाली ने फंबल मार दी मैं फंबल मार रही थी मैंने ऐड किया है चल 1.5 लाख से कितना बर्थडे तेरा चल लाख से लाइन नहीं बोलूंगा ये कपड़े नहीं पहनूंगा ये वाला गेटअप नहीं करूंगा तो प्लीज भाई तुरंत बता दे क्योंकि हमको भी तुरंत निकालना होता है तो एक बार मेरे पार्टनर सुमित व्यास के लिए जोरदार तालियां विपुल जी व्हाट डू यू वांट जो आप कार में आते वक्त मैंने बोला वो सब बोला आपने थैंक यू तो लोग पहचानते नहीं बट ओनली थिंग इज ये है कि आपने जो कोऑपरेट किया चेक नहीं लेके इसी वजह से आप रहे बाकी पिछले साल वाले सब बदल गए पैसे मांगते इतना पॉपुलरिटी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हर लोग उनको जानते फिर किस चीज़ के पैसे मांगने फिर हमने ढूंढ ढूंढ के ऐसे पकड़े कि इंटरनेट इंटरनेट करके क्योंकि उधर भी पैसे नहीं है उनको समझाया इधर भी नहीं है आओ सो वी हैव ए लवली कास्ट हियर एंड इट्स अ सेकेंड ईयर कॉमेडी नाइट्स बचाओ वापस नई टांग खिंचाई के साथ हम आए हैं एंड कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताज़ा लेकर We have a lovely lineup, lovely cast, and everybody brings a lot of talent to the table. And let's have fun. Thank you very much. And over to Nicole. Nicole has directed from 2006. I think usne nahi to 1000 se zyada comedy episode kiye honge. In a different format, aur har baar wo novelty le aata hai aur har episode entertain karta hai. Credit goes to him and his team. Big applause for him. Thank you, everyone. Thank you for coming. Thank you for laughing, having fun. Real talent or real success or real stars. एक जो ये लोग हैं जिनको आप देख रहे हैं और एक पूरी मेरी राइडर की टीम है
जो हर एक लाइन के बाद पंचेस देने की कोशिश करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि कोई भी एक 7 to 8 minutes के एक्ट में हम कोशिश करें कि हर सेकेंड लाइन हर थर्ड लाइन पंच हो, जिससे लोगों को मज़ा आए। दूसरी बात, एज मोना सेट इन द बिगिनिंग ऑफ द शो दैट इट्स बीन 52 episodes ऑफ द प्रीवियस सीजन। कल रात को 10 बजे हमारा नया सीजन लॉन्च हो रहा है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताज़ा। बहुत सारे 160 से भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं शो पे, और ये दूसरा सीज़न इसलिए भी हमने किया बिकॉज हमारे जो टोटल लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज़ हमने डे वन बनाई थी उसमें 450 लोग हैं, तो बाकी के बचे हुए सारे सेलिब्रिटीज़ आप इस सीज़न में देखेंगे, और ऑफकोर्स बाकी सारे जितनी भी फिल्म आएंगे, जितने भी फिल्म स्टार्स आएंगे वो आप देखेंगे इस सीज़न में। सो प्लीज़ वॉच एंड प्लीज़ प्रमोट आर शो फॉर टुमारो नाइट्स लॉन्च विच इज़ एट 10 PM। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्योंकि अक्षय नहीं आ रहा है, ऋतिक नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो बेचारा ट्विटर पे दिखाता है मुझे, देखो ऋतिक ने बोला मेरे पास लेट नहीं है। सो सब आना चाहते हैं, वैसा छापे वो कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच। ओके, आगाज तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, इतना मजा आया है, तो मतलब लगता है कि कल का एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो व्हाट यू वांट से अबाउट द एसोसिएशन जो अभी आप यू नो बहुत ही नई चीज हमें देखने मिलती है। लाइट शोज करने में हमेशा बहुत मजा आता है, टीवी सीरियल में हमेशा हम लोग इंटेंस एंड हाई ड्रामा शोज करते हैं, दिस इज अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दैट एंड आई लव कॉमेडी। और ये शो ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट वर्किंग, ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फन पिकनिक फैमिली गेट टुगेदर। So I'm quite excited and I hope कि हर कोई season 2 को भी super hit बनाए जैसे season 1 था, so इसलिए मेरा association है। Sumit, your television debut, what do you want to say? What? And it's a big debut. It's not a television debut. I've done some, but किसी ने देखा नहीं। But I'm really excited. I think the first rule of comedy is कि आप अगर खुद पे नहीं हंस सकते तो फिर आप comedy नहीं कर सकते। तो इसीलिए बचाव पे आने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप अपनी मजाक उड़ाएंगे तो लोगों की मजाक और बेहतर उड़ा पाएंगे। तो और यहाँ पे जो भी आता है वो इतने अच्छे स्पिरिट से आता है, बड़े बड़े एक्टर्स स्टार्स फिल्म स्टार्स सब आते हैं, और उससे पता चलता है कि वो कितने सहज लोग हैं कि वो अपना भी मजाक उड़ा सकते हैं और साथ में हमारा भी थोड़ा मजाक उड़ा। वेल शरद, आप क्या कहना चाहेंगे? प्यार की कसमें माते तो आपने बहुत सिखा दी, आप कॉमेडी करके आप लोगों को गुदगुदाने वाले, हंसाने वाले, कितना अलग एक्सपीरियंस है आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि ऑब्वियसली जैसे मोना ने कहा, बहुत इंटेंस शोज होते हैं हमारे जो फिक्शन होते हैं, सो आई थिंक ऑब्वियसली वहाँ पे हमें रोने के ग्लिस्टिंग लेना पड़ता है, बट यहाँ हंस के आते हैं ऐसे नॉर्मली आँखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ अस, और आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू सीजन। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर रियली चार्ज्ड अप, मोना इज रियली चार्ज्ड अप, शी गेट्स ऑल ऑफ अस रियली चार्ज्ड अप। यार एक्ट में सो गए थे हम लोग, यार शी टेल मी, यार मेरे पहले एक्ट यार मैं तो सो गई 10 मिनट के लिए, वाओ दैट वाज रियली चार्ज्ड अप। सो आई थिंक वी आर होपिंग कि यार अगले एक्ट हमारे सबके बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। जगा दे मोना, हां मोना को जगा दे यार, मोना को जगाना पड़ेगा। दैट्स द चलो वेल मोना, आपको नहीं लगता है कि ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आपसे डरने के बजाय आपको देखकर मतलब हंस देंगे, वो मजा आ जाएगा अगर कंफ्यूज हो जाए यार, रियली आई वुड वेट फॉर दैट। दैट्स द आईडिया, दैट्स द आईडिया, मुझे देख के कहीं ये ना चिल्लाएं बचाओ। सुमित, अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि हमें कभी मुकेश भी देखने मिल जाए कि किसी एक्ट में? नहीं नहीं, वो वही है, वो वही है, वो मिक्स करके मजा नहीं है, यहाँ पे नया करेंगे ना कुछ, तो आई होप यहाँ पे, हाँ यहाँ सुकेश करेंगे, आई होप यहाँ पे कुछ ऐसा करें जो देख के और मजा आए लोगों। सुमित, लेकिन आपको एक बार फिर से छोटे पर्दे पर आने के लिए काफी टाइम लग गया जी, क्या कहेंगे फैंस आपके बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे? जी मैं भी वेट कर रहा था, ये छोटे पर्दे वाले नहीं बुला रहे थे मुझे, फाइनली इन्होंने बुलाया, तो आई एम रियली एक्साइटेड। सुमित आंसू आ गए, कब से वेट कर रहा था उसके बारे में, अब बुलाया सालो। सुमित, ट्रिपलिंग इतना बहुत ही मतलब यूथ में बहुत ही पसंद किया गया है, और एवरी वन इज वेटिंग कि अगर सीजन टू, जैसे सीजन वन खत्म हो रहा है सीजन टू के कुछ वेट करें, सो व्हाट यू वांट टू से, सीजन टू आएगा? सीजन टू मैं भी वेट कर रहा हूँ, हमने बोला है वहाँ पे कि फॉरेन में शूट करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो आई होप जैसे उनका वो बजट होगा तो हम लोग बना देंगे। हाँ, नेपाल तक तो जा ही सकते हैं, या बांग्लादेश, या बांग्लादेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।
यार वो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। लाइए मैं पकड़ लूँ। अच्छा ओके, पहले तो एक दूसरे की काफी बेइज्जती हमने देखने देखा, उसको टांग खिंचाई बोलते हैं। हाँ बेइज्जती नहीं करते भाई, ये सुपरस्टार है, जब से शो छोड़ा है इसके शो की टीआरपी बढ़ गई, ऐसे नहीं हम बेइज्जती नहीं, टांग खिंचाई बोलते हैं हम लोग उसको। पता क्या हुआ है इस शो के सीजन में आप दोनों एक दूसरे को कैसे रोस्ट करते हुए नजर आएंगे? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये तो डे वन से जब से मिले हैं फ्रॉम द वर्ड गो ही स्टार्टेड रोस्टिंग मी, तो मैं तो थोड़ा अभी मेरे को इनका वो पता लगा है। बट अब पता क्या होता है, जब आदमी स्ट्रगल कर करके पागल हो चुका होता है तो उसे दूसरों को भी डिमोरलाइज करने का मौका चाहिए होता है, सो दैट्स व्हाट लुक सेंटर। ओके लुक सेंटर रखना, नो कमेंट्स ऑन दिस। ओके सेलिब्रिटी को तो आप रोस्ट करेंगे, कितनी तैयारी की है निया आपने और क्या कुछ सीख रही है? निया यहाँ पे विद फैमिली आती है वैनिटी में, एक मेकअप वाला, एक इसके हेयर वाले और चार लोग इसको बताने वाले कि राइट से ठीक लग रही है, फ्रंट से ठीक लग रही है, तो ये तो पूरी तैयारी के साथ आई है। बिकॉज काम करना तो इसका अभी ये बैठता है स्क्रिप्ट पे, इसका यू नो मजदूरी इसकी इसकी उसमें है, मुझे सिर्फ खड़ा होना है। टैलेंट और ग्लैमर एक्चुअली, टैलेंट रियली? हाँ आज तो बोल दो कम से कम, इतने मीडिया वाले आए हैं। नहीं नहीं बहुत टैलेंट है एंड आई एम श्योर कि बलराज के साथ मैं भी थोड़ी नोटिस हो जाऊंगी। ओके नहीं 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 तुम बहुत नोटिस हो जाओगी और बलराज मेरी टांगों के साथ नोटिस। हाँ मैं इसकी इसके कंधे के साथ मेरी भी फोटो आ जाएगी तो भाई साहब प्लीज थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और हम इस शो में रोस्ट नहीं करने वाले, एक्चुअल में हम लोग फन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, लास्ट सीजन में भी बहुत सारे लोग आए थे, शाहरुख सर 2-3 बार आके गए हैं, सलमान भाई 2-3 बार आए, अक्षय सर 2-3 बार आके गए हैं, तो इट्स अ फन शो। और हमारी कोशिश रहेगी जो हम लोग इस बार ताज़ा के नाम पे नए लोग आए हैं, नया कंटेंट दें और लोगों को हर संडे रात को 10 बजे सिर्फ कलर चैनल पे टिका के रखें, ये हमारी कोशिश है। कोई फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस जिसको आप रोस्ट करना चाहेंगे? आई वुड लव टू हैव कंगना रनौत ऑन द शो। कंगना रनौत अच्छा हाँ कंगना जी हाँ। और आई रोस्ट तो नहीं, बस सुष्मिता जी आ जाए एक बार गले लगना है, रोस्ट तो खैर करते रहते हैं हम लोग, तो कोई भी आए एवरीबॉडी इज़ वेलकम ऑन द शो। और बहुत सारे लोग आते भी हैं हमारे शो के ऊपर, रोस्ट नहीं हम लोग करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग टांग खींचेंगे, हम लोग फन करेंगे, हम लोग एंटरटेन करेंगे। इसको वैनिटी में बैठ के समझाया गया कि इसको चैनल की तरफ से ब्रीफ मिला है ना, ब्रीफ मिला तो पूरा बका, इसने पूरा बका है। हाँ अभी आपसे जानना चाहेंगे यू नो सास ननद का ड्रामा से हटकर कॉमेडी का तड़का आपको कैसे लगा? मैं बहुत अप्रिहेंसिव थी, आई वुड नॉट लाई, बट यस नाउ दैट आई एम इन इट और बलराज मेरे साथ है तो कहीं ना कहीं शी इज फीलिंग वेरी सेफ, वेरी सेफ। और बलराज को नोटिस कराने में मैं हेल्प कर पाऊंगी तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ ये मुझे नोटिस कराएगी, अपने बर्थडे पे तो बुलाती नहीं है और ये हमको क्या नोटिस कराएगी? आप इसके बर्थडे के सारे फोटो निकाल के देखो, हमारे शो का एक बंदा नहीं है, तो ये क्या मतलब, क्यों ये नाइंसाफी सब लोगों के साथ? वहाँ पे स्ट्रगलर्स अलाउड नहीं थे, दे वर वेरी स्टार स्टडेड, वहाँ पे तो सारे डेली शो वाले पहुंचे हुए थे, स्टार स्टडेड पार्टी ना। No comments. मुझे पता नहीं मैं फैशन के लिए, पर ये मुझे फैशन के लिए बहुत फेमस कर, मैं इसको इसके कपड़ों के लिए फेमस करने वाला हूँ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, हर एपिसोड को ध्यान से देखेगा, निया के कपड़ों के ऊपर कम से कम 4 पंच मारूंगा, ये मेरा ऑडियंस से वादा है, चाहे ये पूरे पहने चाहे ये पूरे पहने। Okay, तो जाते जाते टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो आप जानते ही, मेरे फैंस बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, प्लीज बलराज को भी देख लीजिएगा मेरे साथ, 4 लाख फॉलोअर हैं इसके इंस्टाग्राम पे, अपना आश्रम खोलने वाली बहुत जल्द। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा शो देखिए, कॉमेडियंस बचाओ ताज़ा, एवरी संडे 10 बजे कलर्स चैनल पे, सब लोग देखिए, आप देखेंगे तो हम आपको ज़्यादा एंटरटेन कर पाएंगे। थैंक यू। चलिए पहले तो पूछना चाहेंगे कि आपके जो टीम है वो बड़ी अच्छी है। यस द बेस्ट टीम आई हैव गॉट, हाँ बिकॉज ऑब्वियसली कृष्णा भैया एंड सुदेश अंकल दोनों ही मेरे साथ हैं, दोनों द किंग्स ऑफ कॉमेडी है, तो बस ऐसे ही वो सुन के जान आ जाती है बिकॉज उनके साथ, उनको आज तक सिर्फ टीवी पे देखा है, उनके बारे में सुना है, उनके साथ एक स्टेज पे परफॉर्म करना इज समथिंग विच इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे उनके उनका उनका पार्टनर बनाया गया एंड या आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड। नर्वस तो ऑनेस्टली मैंने उनसे भी पूछा था कि आप नर्वस होते हो, तो हाँ वो सब नर्वस होते हैं, जो भी स्टेज पे आने के पहले जो वो नर्वसनेस होती है वो सब में आती है एंड या नर्वस तो सब होते हैं, एक्साइटमेंट मेरे में ज़्यादा है बिकॉज मुझे है कि बस यस यस मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे कॉमेडी करनी है, तो वो एक्साइटमेंट मुझ में ज़्यादा है एंड उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये बात का कि कृष्णा भैया सुदेश अंकल के साथ करनी है, तो बस
आग लगानी है। तो कितना मुश्किल होने वाला है टांग खिंचाई करना? टांग खिंचाई बहुत मुश्किल है एक्चुअली करना। आई रियली सैल्यूट देम जो इतने अच्छे से और इतने इजीली कर जाते हैं। हम तो बस घर पे बैठ के हंसते हैं एक्चुअली, बट उसमें जो एफर्ट्स लगती है, उसमें जो टाइमिंग लगती है, उसमें जो रिहर्सल्स लगती हैं, उसमें जो हार्डवर्क लगता है, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक है। एंड वो सब करने में बहुत ज़्यादा पेशेंस और हार्डवर्क जाता है, तो बस वो करना है अब से। अच्छा, आज तो हमने लाइव परफॉर्मेंस देखी है आपकी, और मुझे तो ऐसा लगा कि उन दोनों पे आप ज़्यादा भारी पड़ी है। बस अब काश ऐसा ही रहता है। हाँ, बस हम होपिंग कि ऐसे भारी पड़ते रहें। उनसे तो भारी एक्चुअली नहीं पड़ पाएंगे कभी, बट स्क्रिप्ट ही इतनी स्ट्रॉन्ग मिलती है, तो बस हम बस उस पर बस उसको अडेप्ट करके बस आगे बढ़ते रहते हैं। डेली सोप के जो ड्रामा है उसके बाद आप कॉमेडी करने वाली हैं, टांग खिंचाई करने वाली, तो अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? डेली सोप और कॉमेडी साथ साथ में करने वाली हूँ, सो इफ़ आई एम क्राइंग देयर आई विल बी लाफिंग हियर। तो इट्स लाइक अ बैलेंस जो हम बना के रखेंगे आगे भी। एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग के ये वो भी बहुत डिफिकल्ट है और ये भी बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ पे रो के ऑडियंस को कन्विंस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड यहाँ पे भी लोगों को हंसाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, किसी को हंसाना इज़ ओनली वेरी डिफिकल्ट। तो दोनों चीज़ें साथ में करना, बैक टू बैक करना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बट किसी तरह से हो जाएगा पूरा कोप अप। एंड वहाँ पे आपको रुला रुला के कन्विंस करूँगी, आपको हंसाऊँगी, सो टू इन वन। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो कॉमेडी नाइट्स का नया सीजन आ रहा है जी, तो जी क्या अलग देखने को मिलने वाला है हमें इसमें? आपको मेरे भारती सुदेश जी के अलावा और ओप्पो के अलावा, ओप्पो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनसे हमको सबसे ज़्यादा पैसा आता है, हम चारों के अलावा सब कुछ नया देखने को मिलेगा। आई थिंक ये जो दो हैं वो भी पुराने हैं, जो आदमी बैठा रहता है इधर खली जैसा बड़ा सा, और एक लेडी यहाँ पे बैठी रहती है वो भी रहेगी। बाकी नए लोग जो हैं उसमें निया शर्मा है जो जमाई राजा में थी, वो हैं अमृता खांडवेलकर हैं, मनन देसाई हैं, फिर सुमित व्यास हैं, और ऐसे कई सारे नए लोग हैं जो आपको अभी कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताज़ा में नज़र आएंगे। अच्छा, वो कॉमेडी नाइट्स बचाओ था, ये ताज़ा है, तो इसमें क्या दही जमाने वाले हैं, जमने वाले हैं? यहाँ दही नहीं जमाएंगे, कुछ नहीं जमाएंगे, यहाँ पर रायता फैलाएंगे। होते ना, दही जमाने का टाइम गया, अभी रायता फैलाने का टाइम है आई थिंक। लेकिन फिर भी रोस्ट जो है थोड़ा सा अभी हम लोग कूल डाउन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी रोस्ट किया, 80% लोगों को जमा, 20% नहीं भी जमा, इसलिए हम चाहते हैं कि वो 20% भी जो हैं वो शो पर आएँ। तो अभी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है कॉमेडी सर्कस को, अभी हम अपने एक्ट्स पे भी ध्यान देंगे और थोड़ा बहुत रोस्ट भी करेंगे, एक लिमिट में करेंगे। थैंक यू। रोलिंग, चलो सेंटर लाइट ना। ओके, आगाज तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, इतना मजा आया है, तो मतलब लगता है कि कल का एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो व्हाट यू वांट से अबाउट द एसोसिएशन जो अभी आप यू नो बहुत ही नई चीज हमें देखने मिल रही है? मैं लाइव शोज करने में हमेशा बहुत मजा आता है, टीवी सीरियल में हमेशा हम लोग इंटेंस एंड हाई ड्रामा शोज करते हैं, दिस इज अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, एंड आई लव कॉमेडी। और ये शो ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट वर्किंग, ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फन पिकनिक फैमिली गेट टुगेदर, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, एंड आई होप कि हर कोई सीजन टू को भी सुपर हिट बनाए जैसे सीजन वन था, सो इसलिए मेरा एसोसिएशन है। सुमित, योर टेलीविजन डेब्यू, व्हाट डू यू वांट टू से, इट्स अ बिग डेब्यू। No, it's not a television debut. I've done some, but किसी ने देखा नहीं, पर I'm really excited. I think the first rule of comedy is कि आप अगर खुद पे नहीं हंस सकते तो फिर आप कॉमेडी नहीं कर सकते, तो इसीलिए बचाव पे आने का अलग ही मजा है, क्योंकि आप अपनी मजाक उड़ाएंगे तो लोगों की मजाक और बेहतर उड़ा पाएंगे। तो और यहाँ पे जो भी आता है वो इतने अच्छे स्पिरिट से आता है, बड़े बड़े एक्टर्स, स्टार्स, फिल्म स्टार्स सब आते हैं, और उससे पता चलता है कि वो कितने सहज लोग हैं, कि वो अपना भी मजाक उड़ा सकते हैं और साथ में हमारा भी थोड़ा मजाक उड़ा। मैं शरद, आप क्या कहना चाहेंगे, प्यार की कस्मे माते तो आपने बहुत सिखा दी, आप कॉमेडी करके आप लोगों को बुलाने वाले हैं, कितना कितना अलग एक्सपीरियंस है आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि ऑब्वियसली जैसे मोना ने कहा, बहुत इंटेंस शोज होते हैं हमारे जो फिक्शन होते हैं, सो आई थिंक ऑब्वियसली वहाँ पे हमें रोने के ग्लिस्टिन लेना पड़ता है, बट यहाँ हंस हंस के आते हैं ऐसे नॉर्मली आँखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं, सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ अस, और आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू सीजन। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर रियली चार्ज्ड अप, मोना इज रियली चार्ज्ड अप, शी गेट्स ऑल ऑफ अस रियली चार्ज्ड अप। यार एक्ट में सो गए थे हम लोग यार, यार मेरे पहले एक्ट यार मैं तो सो गई 10 मिनट के लिए, वाह, दैट वाज रियली चार्ज्ड अप। सो आई थिंक वी आर होपिंग कि यार अगले एक्ट हमारे सबके बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। जगा दे मोना, हाँ मोना को जगा दें यार, मोना को जगाना पड़ेगा, दैट्स द चलो।
वेल मोना, आपको नहीं लगता है कि ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आपसे डरने के बजाय आपको देखकर मतलब हंस देंगे, वो मजा आ जाएगा अगर कंफ्यूज हो जाए यार, रियली आई वुड वेट फॉर दैट डे, दैट्स द आईडिया, मुझे देख के कहीं ये ना चिल्लाएं बचाओ. सुमित, अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि हमें कभी मिकेश भी देखने मिल जाए किसी एक्ट में. नहीं, वो वही है, वो वही है. वो मिक्स करके मजा नहीं है, यहाँ पे नया करेंगे ना कुछ, तो आई होप यहाँ पे, हाँ यहाँ सुकेश करेंगे, आई होप यहाँ पे कुछ ऐसा करें जो जो देख के और मजा आए लोगों को. सुमित, लेकिन आपको एक बार फिर से छोटे पर्दे पर आने के लिए काफी टाइम लग गया जी, क्या कहेंगे फैंस आपके, बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे जी. मैं भी वेट कर रहा था, ये छोटे पर्दे वाले नहीं बुला रहे थे मुझे, फाइनली इन्होंने बुलाया, तो आई एम रियली एक्साइटेड. सुमित, आंसू आ गए यार, कब से वेट कर रहा था, अब बुलाया सालो. सुमित, ट्रिपलिंग इतना बहुत ही यूथ में बहुत ही पसंद किया गया, और एवरीवन इज वेटिंग कि अगर सीजन 2, जैसे सीजन 1 खत्म हो रहा है, सीजन 2 के वेट कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू वांट टू से, सीजन 2 आएगा, सीजन 2 मैं भी वेट कर रहा हूं, हमने बोला है वहां पे कि फॉरेन में शूट करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो आई होप जैसे उनका वो बजट लगा तो हम लोग बना देंगे. हां, नेपाल तक तो जा ही सकते हैं. हाँ, नेपाल तो या बांग्लादेश, या बांग्लादेश. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस.